करेंगे, फिर हम जाएंगे वहां पे और उसके बाद ट्रायल चालू होगा। ट्रायल में पहले जेटली जी को विटनेस बॉक्स में खड़ा किया जाएगा और उनसे हमारा वकील क्रॉस एग्जामिन करेगा, जितने भी सबूत है अभी तक वो सारे क्रॉस एग्जामिन किए जाएंगे। आपको इस बिल के बारे में पता है, ये बिल आपने साइन किया था सारा। मुझे लगता है एक शानदार नजारा होगा पूरे देश में। मुझे तो लगता है एक साल तक चलेगा अरुण जेटली जी का क्रॉस एग्जामिनेशन। अपने पैर पे इतनी बड़ी कुल्हाड़ी कोई वकील मार ले, मैंने तो सोचा भी नहीं था। और सात लोगों के खिलाफ किया है तो सात लोगों के सात वकील क्रॉस एग्जामिन करेंगे जेटली जी को। सबसे पहले तब तक अगले चुनाव आ जाएंगे। तो ये बहुत दिलचस्प तस्वीर है, अरुण जेटली मसले पर केजरीवाल ये तेवर दिखा रहे हैं। देखिए, मैं पहले इनसे कह रहा हूं कि केजरीवाल की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि उनकी जांच कमेटी फिर ये साबित करे कि जो उन्होंने आरोप लगाए हैं अरुण जेटली पर वो सही साबित हो। लेकिन केजरीवाल साफ साफ कह रहे हैं कि जेटली जी आप तो इतने बड़े वकील हैं, आइए फिर कोर्ट आपको भी आना पड़ेगा। सात लोगों के खिलाफ आपने मुकदमा किया है, सबके वकील आपको क्रॉस एग्जामिन करेंगे। तो एक लंबी लड़ाई होने वाली है, सियासी भी और कानूनी भी। और जरा सुनिए केजरीवाल क्या कह रहे हैं इस वक्त। मोदी जी का एक सूट 10 लाख रुपए का, हमारा अफसर जो हाँ चाय बनाते थे बताते हैं, पता नहीं चाय वाले के पास 10 लाख रुपए का सूट कहां से आ गया। ऐसी कौन सी चाय बेचा करते थे 10-10 लाख रुपए के सूट, और बता रहे हैं 1 लाख रुपए से कम तनख्वाह है। तो केजरीवाल पूछ रहे हैं कि मोदी जी ऐसी कौन सी चाय बेचा करते थे जिससे वो 10 लाख रुपए का सूट पहनने लगे। अब देखिए, ये ना सिर्फ अरुण जेटली है, ये नरेंद्र मोदी भी है। तो बीजेपी चूंकि पूरी पार्टी मिलकर अरुण जेटली का इस वक्त बचाव कर रही है, ये कसके इस सियासी जंग की तैयारी करे। और साथ में मैं हमेशा जोड़ता रहूंगा कि केजरीवाल भी तैयार रहें ताकि वो अपनी विश्वसनीयता इस सियासी जंग में नहीं खोएं। कुछ और सुनिए केजरीवाल क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब एक इंक्वायरी आयोग बैठा दिया गया है डीडीसीए के मामले में, तो अब डीडीसीए के मामले की दिल्ली सरकार की तरफ से जांच होगी। क्या यह जांच संभव है, इसको भी लेकर सवाल उठाए गए थे, इसके भी कानूनी पहलू को लेकर सवाल उठाए गए थे। इसके कानूनी पहलू पर कि क्या दिल्ली सरकार जांच कर सकती है, सुनिए रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं। आप एक वरिष्ठ वकील भी हैं, क्या आपको लगता है कि उनके पास अधिकार हैं आयोग बनाने के? देखिए, मुझे नहीं लगता दिल्ली सरकार को क्रिकेट की फंक्शनिंग के बारे में पावर लेकर इंक्वायरी करने का अधिकार है, ऐसा मुझे नहीं लगता। बाकी वो जो करना हो करे। तो इस वक्त रविशंकर प्रसाद ये कह रहे हैं। अब वापस सुनिए केजरीवाल, देखिए ये बड़ी जबरदस्त जबानी जंग चल रही है। ये यहां इतना सारा नहीं है कि बीजेपी में सबने ऊपर से नीचे तक कह दिया कि साहब अरुण जेटली जी पर कोई आरोप निराधार है तो वहां केजरीवाल चुप हो जाएंगे। केजरीवाल को भी यह साबित करना है, ओनस उनके ऊपर है कि कितने आरोप अरुण जेटली पर चिपक सकते हैं कानूनी दायरे में। और सुनिए केजरीवाल क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं, सारी पार्टी इनकी खड़ी होकर कह रही है इनोसेंट है। अगर इनोसेंट है तो साबित करें, कमीशन ऑफ इंक्वायरी के सामने आए। डर किस चीज का लग रहा है? आपने हमारे ऊपर सीबीआई की रेड करी, हम नहीं डरे, हमने जांच के साथ सहयोग किया। 6 दिन हो गए आज 8 दिन हो गए आज हमने कुछ कहा? हमको डर नहीं लगता तुम्हारी सीबीआई को, तुमसे कमीशन ऑफ इंक्वायरी से तुमको डर लगता है? तो दाल में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो केजरीवाल कह रहे हैं आपने हमारे ऊपर सीबीआई की रेड की, हम डरे क्या? हम कहां डरे, ये केजरीवाल कह रहे हैं। सुनिए, सुनते रहिए, ये बड़ा ये जैसे कहते हैं ना सियासी ड्रामा, बयानबाजी का अपने चरम पर है इस दिसंबर के महीने में। और सुनिए केजरीवाल को, उसके बाद हमारे साथ बीजेपी के मेहमान होंगे, एक बहुत वरिष्ठ संपादक होंगे और हमारे साथ आम आदमी पार्टी के मेहमान होंगे। सुनिए और सुनिए केजरीवाल क्या कह रहे हैं। केस दर्ज कराने के वक्त इतने घबराए हुए हैं अगर वो, कि उनको 6 मंत्रियों की जरूरत पड़ी और इतनी बड़ी पार्टी, हम तो हियरिंग होती है हम यूं चले जाते हैं, मैं उसके हमारे खिलाफ इतने केस कर रखे हैं लोगों ने, हमारे को डर नहीं लगता क्यों? कुछ दिल में कुछ काला नहीं है, हमारा सब कुछ साफ है, हमको डर नहीं लगता। हम आपको जहां मर्जी बुला लो, इतने सारे केस चल रहे हैं पूरे देश के अंदर।
तो अगर केस फाइल करने के वक्त इनको इतना डर लग रहा है कि 6 मंत्रियों की जरूरत पड़ रही है, जब क्रॉस एग्जामिनेशन होगा तो पूरी कैबिनेट को बुलाना पड़ेगा और शायद बैरक ओबामा को भी फोन करना पड़ेगा, वहां से अपनी भी कैबिनेट भेज दो जरा से। तो केजरीवाल कह रहे हैं शायद बराक ओबामा भी आ जाएं समर्थन में अरुण जेटली के। कुछ और केजरीवाल की बयानबाजी। पिछले कुछ महीनों में मैं भारतीय जनता पार्टी के बहुत सीनियर लोगों से मिला, कई केंद्रीय मंत्रियों से मिला, बीजेपी के कई सीनियर लीडर्स से मिला। उन्होंने प्राइवेट में बताया कि जब से दिल्ली की हार हुई है, दिल्ली के अंदर ना केवल भाजपा हारी, दिल्ली के अंदर भाजपा का पूरी तरह से सफाया हो गया। तो बोले जब भी आपका नाम आता है प्रधानमंत्री जी के सामने, वो ऐसे तिलमिला जाते हैं जैसे उनका खून खौल उठता है अगर कोई अरविंद केजरीवाल का नाम प्रधानमंत्री जी के सामने लेते हैं, बुरी तरह से बौखला जाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल, जिसे अंग्रेजी का एक फ्रेज, अंग्रेजी का जुमला है, ये सेट द स्टेज। तो अब उन्होंने मंच तैयार कर दिया है, ये जबरदस्त कानूनी और सियासी जंग दोनों के लिए। अभी मैं इस विषय पर तो आया ही नहीं हूं कि नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी में और उसका क्या अर्थ लगाया जा रहा है। अभी तो हम केजरीवाल पे, हम उस पर भी आएंगे। हमारे साथ आलोक मेहता साहब इस वक्त मौजूद हैं, शाहनवाज हुसैन भारतीय जनता पार्टी के सीनियर स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं, आशीष खेतान मौजूद हैं जो कि आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बड़ा तीखेपन की भाषा बोल रहे हैं केजरीवाल। क्या केजरीवाल इस बात को समझते हैं कि भाषा बोलना बहुत आसान है, मतलब बातों को साबित भी करना होगा? देखिए अभिज्ञान जी, यही मुझे लगता है, बाकी तो कानूनी लड़ाई है निश्चित रूप से, उनके पास जो सबूत हैं, जैसे हम तो कहते हैं ना कटाक्ष की भाषा बोल रहे हैं, बड़े कहा कि ओबामा को भी ले आइएगा, 6 कैबिनेट मिनिस्टर को लेके आते हैं आप एक हियरिंग में, तो बड़े कटाक्ष की भाषा है ये। देखिए जैसे चुनावी सभाओं में मोदी जी बोलते हैं, वो बाद में कई जगह विदेश में भी बोल आते हैं, उसी तरह से केजरीवाल जी विधानसभाओं में भी तीखा, उन्हें अपनी चुटकी लेने का जो उनका अंदाज है वो बोले हैं। लेकिन ये बात सही है कि देखिए परिवार के बारे में क्यों पैसा DDCA का कहां गया, वो सब प्रमाणित करने में उनके लिए भी मुसीबतें आने वाली है। और दूसरा मुझे जो शंका लगती है, मतलब शंका क्या है, कानूनी आधार होना चाहिए। रविशंकर प्रसाद ने चाहे वो बताए, ज्यादा लोग कानूनविद, कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, जांच आयोग कैसे दिल्ली सरकार बना पाएगी बगैर उपराज्यपाल? नहीं, उन्होंने बनाया आज की स्थिति में, उसके प्रस्ताव को उन्होंने दिल्ली विधानसभा में पारित किया। मैं सवाल आशीष केतान से पूछूंगा। उसके बाद अब उसको उपराज्यपाल और गृह मंत्रालय की स्वीकृति चाहिए। गृह मंत्रालय ने, ये तो ठीक है अभिज्ञान जी, खेल तो है, गृह मंत्रालय ने फॉरवर्ड कर दी शिकायत। आप तो जानते बीजेपी का असली जो झगड़ा है वो केजरीवाल से ज्यादा बीजेपी का अपना कलह भी है। सही बात है, खाली खींच लिया जाता है बीजेपी अपने कलह पर, तो आएंगे मुसीबत। आशीष खेतान, जो आप लोगों ने प्रस्ताव पारित किया है, क्या ये कानूनी तौर पर आपके लिए इस जांच का रास्ता बनाएगा, DDCA की जांच का रास्ता बनाएगा? अभिज्ञान, जैसे आपने रविशंकर प्रसाद जी का वक्तव्य लिया जी, कि दिल्ली सरकार क्या कमीशन ऑफ इंक्वायरी DDCA पे सेटअप कर सकता है, और आपके पत्रकार ने उनसे लीडिंग क्वेश्चन पूछा कि आप कानून के विद्वान भी हैं। देखिए बेहतर होता कि जो न्यूट्रल कानून के विद्वान हैं उनसे आप ये सवाल पूछते और उसके बाद दर्शकों को बताते हैं कि कानून के विद्वान इस पर क्या बोल रहे हैं। गोपाल सुब्रमण्यम जी कानून के विद्वान रविशंकर प्रसाद से ज्यादा ही होंगे, कम तो है नहीं। अगर हमारे दायरे में ही नहीं आता, पूरी करिएगा। आशीष जी एक मिनट, मैं आपको रोक रहा हूँ, आप अपनी बात पूरी करिए, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ। मैं अपने निर्देशक से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि गोपाल सुब्रमण्यम ने क्या कहा है वो भी जल्दी से लेकर आए इस प्रोग्राम में, तो हम उसको सुना सके। मैं शिवानी से रिक्वेस्ट करूंगा कि गोपाल सुब्रमण्यम ने क्या कहा है वो भी सुनाए। हाँ आशीष बोलिए प्लीज। तो आपने जिस तरीके से स्टेज सेट करी, आपने अंग्रेजी का जुमला इस्तेमाल किया कि द स्टेज इज सेट। जब स्टेज सेट करिए तो न्यूट्रल जितने भी लोग हैं उन सबकी राय ले लीजिए। एक अग्रवाल, जस्टिस अग्रवाल का कमीशन ऑफ इंक्वायरी हमने सेटअप किया है CNG मामले पर, उस पर कुछ लोग और केंद्र सरकार दिल्ली हाईकोर्ट गए कि इसको स्टे कर दीजिए, आज तक कोई स्टे नहीं लगा। तो अगर हमारे दायरे में नहीं आता तो कमीशन ऑफ इंक्वायरी में Section 3 जो कह रहा है कि असेंबली में रेजोल्यूशन पास होने के बाद द कमीशन शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड नोटिफाइड। तो पहली तो एक मुद्दा ये हो गया। दूसरी, आपने जो इसमें कहा कि कटाक्ष की भाषा बोली है, 10 महीने हो गए दिल्ली में सरकार बने हुए, 10 महीने में शायद भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में
किसी चुनी हुई संवैधानिक सरकार को, सॉवरिन गवर्नमेंट को इस तरीके से रोज परेशान, हताश करने की कोशिश, रोज उसके काम में व्यग्र डालने की कोशिश, मुझे नहीं लग रहा है कि आपने अपने लेकिन आशीष खेतान, आशीष खेतान मुद्दे को मत बदलिए, मुद्दा डीडीसीए का है, आप बाकी मामलों में हताश हो रहे हो उस पर हम अलग चर्चा कर सकते हैं। डीडीसीए का मुद्दा बहुत अच्छा है कि वो इस तरह की भाषा बोल रहे हैं कि अरे आप तो 6 कैबिनेट मिनिस्टर लेके आए, अगली बार ओबामा को भी लेकर आ जाइएगा, अरे आप क्यों डरते हैं, हम तो डरते नहीं, हमारे यहां आपने सीबीआई की रेड करवा ली, तो ये सब बड़ा बड़ा डायरेक्ट अटैक है अरुण जेटली और नरेंद्र मोदी दोनों पर। बिल्कुल मुझे कोई एतराज नहीं है, आप अटैक करिए, लेकिन आखिरकार आपको जनता के सामने इन बातों को साबित करना होगा। आशीष जी, मैं अभिज्ञान आपकी जो ये आपने जो ये लाइन ली है ना कि जनता के सामने साबित करना होगा, पहली बात मैं आपको बता दूं और दर्शकों को बता दूं कि डीडीसीए की मामले की जड़ में ना आम आदमी पार्टी है ना आम आदमी पार्टी की सरकार है। डीडीसीए पर आरोप आम आदमी पार्टी ने पहली बार नहीं लगाए, ना ही सरकार ने पहली बार लगाए। डीडीसीए पर आरोप कीर्ति आजाद, जो भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार चुने हुए एमपी हैं, वो पिछले 7 सालों से लगा रहे हैं और सदन में लगा रहे हैं। हमारे पास चिट्ठी आई, हमारे पास चिट्ठी भारत सरकार से आई कि ये डीडीसीए के मामले हैं, रॉन्ग डूइंग्स हैं, शब्द का इस्तेमाल हुआ है चिट्ठी में, रॉन्ग डूइंग्स हैं, काइंडली टेक एप्रोप्रिएट एक्शन। उसके बाद हमने 3 मेंबर की कमेटी बनाई, उस कमेटी ने 17 नवंबर को अपनी रिपोर्ट दी और 2 हफ्ते के अंदर हमारे ऊपर सीबीआई का छापा मारा जाता है। तो हम किसी के ऊपर आरोप चिपकाने की हमारी कोई कोशिश नहीं है, जो हमारे दायरे में है कि हमें करप्शन के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और क्रिकेट जो इस देश में रिलीजन के बाद शायद उसका दूसरा स्थान है, वहां दिल्ली में 15 साल अरुण जेटली जी क्रिकेट के मसीहा रहे, 15 साल बादशाह रहे, और उस बादशाहत में इतने स्कैम हुए जो आज डीडीसीए भी मानता है, उसकी जांच हम करवा रहे हैं। हमें नहीं किसी पर आरोप सिद्ध करने हैं, ना किसी पे कोई आरोप चिपकाने हैं, ठीक है, उसकी जांच आप करवा रहे हैं। और मेरे पास गोपाल सुब्रमण्यम, एक मिनट, मैं शाहनवाज जी के पास नहीं जा पाया हूं, आपने अपना पॉइंट रखा, गोपाल सुब्रमण्यम क्या कह रहे हैं ये भी सुनाना यहाँ पर बहुत जरूरी है। आलोक मेहता जी, आप भी ध्यान से सुनिए गोपाल सुब्रमण्यम क्या कह रहे हैं। I am still not the Commission of Inquiry. I have to wait for a process of notification in the Official Gazette. ठीक है, I will wait for the process of notification in the Official Gazette. तो यानी कि वो जानना चाहेंगे, आशीष जल्दी से रिस्पॉन्ड करेगा फिर मैं शाहनवाज जी के पास जा पाऊं, वो ये जानना चाहेंगे कि क्या उसकी प्रक्रिया है, यही कह रहे हैं गोपाल सुब्रमण्यम। और होम मिनिस्ट्री की स्वीकृति की जरूरत होगी, ये तो नहीं कह रहे हैं कि मैं जानना चाहूंगा, हाँ? कि मैं जानना चाहूंगा कि मुझे तो नहीं, उनके जो उन्होंने अंग्रेजी में 2 वाक्यों का इस्तेमाल किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जानना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि आई विल बी ऑफिशियली अपॉइंटेड आफ्टर नोटिफिकेशन इन द गैजेट। सो ऑब्वियसली नो कमीशन ऑफ इंक्वायरी कैन बी अपॉइंटेड विदाउट अ नॉमिनेशन इन द विदाउट अ नोटिफिकेशन इन द गैजेट। इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट, इट्स अ मैटर ऑफ लीगल फैक्ट, ठीक है, इट्स अ लीगल पोजीशन। चलिए ठीक है, अब हम इस पर एक मिनट, अब मैं शाहनवाज हुसैन साहब, क्या केजरीवाल के रुख को देखते हुए आप लोगों को नहीं लगता कि अरुण जेटली के लिए मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं? कानून का रास्ता पहले अरुण जेटली ने लिया है डेफेमेशन केसेस करके। देखिए, पूरी तरह से अरविंद केजरीवाल की यूएसपी खत्म हो गई। वो उभरे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के, अब उनके ही प्रिंसिपल सेक्रेटरी भ्रष्टाचार में 50-60 घंटे से जवाब देते दे रहे हैं। दूसरी बात, उनके ही कई एमएलए विधायक मंत्री भ्रष्टाचार में जेल गए हैं और उनको कई मंत्रियों को हटाना पड़ा है। जब ये जांच भ्रष्टाचार की पहुंच गई उनके दरवाजे तक, उनके जरिए अपॉइंटेड ये पुरानी दलीलें पर जानबूझ के विषय बदलने में, शानवाजी ये पुराने पॉइंटर्स है, ये सब बीजेपी के तमाम प्रवक्ता दोहरा चुके। मैं ये पूछ रहा हूँ कि केजरीवाल ने आज अपनी सरकार के माइक में, मेरी बात सुनिए, आज अपनी सरकार के माध्यम से एक आयोग का नया सुनना चाहते हैं। विज्ञान जी बताइए ना। नहीं नहीं नहीं, अरे मेरी बात सुनिए, खेतान जी को तो नहीं टोका, उन्होंने क्या क्या पुरानी पुरानी वही घिसी पिटी बात जो अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं वही कहा, आपने नहीं टोका।
समस्याएं बढ़ेंगी, आप बैकग्राउंड से शुरू करना चाहते हैं। एक बार एक आपके प्रवक्ता ने मेरे कार्यक्रम में शुरू करेंगे ईरानी से जुड़ा सवाल पूछा था, भाषण जो है उसका बैकग्राउंड बीजेपी पे नहीं, बीजेपी पे दिया है आपने 15 मिनट का भाषण। हाँ। और जब मैं जवाब दूं बीजेपी की तरफ से तो आप कहेंगे नहीं, नहीं, नहीं पॉइंटेड सवाल की मुश्किलें बढ़ेंगी, मैं कह दूं कि नहीं बढ़ेगी, बात खत्म हो गई। आप पूरा समय नहीं, मुझे मैं कह दूं कि बात नहीं बढ़ेगी, ठीक है, आप पूरा समय मैं कह दिया, आपका जवाब था, आपने सवाल पूछा विज्ञान जी, मैं जवाब देता हूं, नहीं उनकी मुश्किल नहीं बढ़ेगी, ओवर। पूरा नहीं, मैं कह रहा हूं उनकी मुश्किल नहीं बढ़ेगी, ओवर। नहीं, मैंने तो कह दिया की मुश्किल नहीं, अगर आप ये चाहते हैं कि 15 मिनट के डिबेट में पिछले 15 मिनट के डिबेट में आपने ये कह दिया कि मैंने वो पुरानी बातें कही हैं और आपने पूछा मुश्किल बढ़ेंगी, मैं कह रहा हूँ नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, आप कह रहे हैं नहीं बढ़ेंगे, मैं इसी पॉइंट पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ और वापस आता हूँ, आपको पूरा समय दूंगा, निश्चिंत रहिए शाहनवाज जी, पूरा समय आपको मिलेगा। नहीं, नहीं, मैं समय मांग भी नहीं रहा आपसे। नहीं नहीं नहीं, मैं समय मांग ही नहीं रहा आपसे। आप नहीं, नहीं, चूंकि आप ऐसा कहने की कोशिश कर रहे हैं, मैं मांगने नहीं बैठा हूं। नहीं नहीं नहीं, आप मेरे कार्यक्रम में आकर समय बैठा ही नहीं हूं, कहने की कोशिश कर रहे हैं 15 मिनट बाद बीजेपी को ज्यादा समय दे दिया और आपको जवाब देता हूं तो आप कहते हैं नहीं, ये जवाब मत दीजिए, ये घिसे पिटे जवाब हैं, ये पुराने हैं। हाँ, ये आपका ऑब्जर्वेशन हो सकता है, है कि लेकिन मुझे ये अधिकार है अपने और पुराने आपके सवालों का और आशीष खेतान के सवालों का जवाब देना, ये मेरा अधिकार है, उस अधिकार से वंचित आप नहीं कर सकते हैं।